जैसा कि कल के ही वीडियो में आपको जानकारी दे दी गई थी कि यूपी ट्रिपल एससी में लगातार दो दिनों से मीटिंग चल रही है और आयोग के माध्यम से आज भी मीटिंग थी और मीटिंग के बाद एक बार चैनल के द्वारा दी गई जानकारी सही निकली और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी चारों सेमेस्टर एग्जाम में जो भी छात्र बैठे थे उन सभी की उत्तर कुंजी जो है चारों एग्जाम शिफ्ट की यहाँ पर जारी कर दी गई। जहाँ अभी अभी ये आधिकारिक नोटिस जारी हुई है 20 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया है और बताया है कि 15 और 16 अक्टूबर 2022 को दोनों दिन दो पालियों में जो एग्जाम हुई थी और उसमें जो उत्तर कुंजी थी यानी कि जो प्रश्न पत्र थे उससे संबंधित जो उत्तर कुंजी है वो uptriplesc.gov.in पर अपलोड कर दी गई। यहाँ पर बताया भी गया आप देख सकते हैं 15 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट और 15 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट, थर्ड जो यहाँ पर है 16 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट, फोर्थ में यहाँ पर है 16 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट, चारों यहाँ पर उत्तर कुंजी यहाँ पर जारी कर दी गई है। और बताया गया है कि आयोग द्वारा जारी की उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने की सुविधा पृथक से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। यानी अभी आप आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते हैं, अभी केवल आप प्रश्न और उत्तर का मिलान कर लें, जो गलतियां हैं उन्हें सेव करके रख लें, जल्दी उसके लिए अलग से नोटिस जारी की जाएगी जिसकी हम जानकारी दे देंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वहीं पर आपको पता है कि आज सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लेकिन इस बार नोटिफिकेशन में एक छोटा सा बदलाव है और आपके लिए अच्छा भी होगा। बदलाव ये है कि इस बार सीटेट यानी CBSE ने अपने इस आधिकारिक नोटिस में साफ कर दिया है कि जो लोग पहले से आवेदन डालेंगे, ठीक है, जो सबसे पहले आवेदन डालेंगे और वो जौन सा पहला यानी कि कोई भी जो भी पहला जिला सिलेक्ट करेंगे उनको वो जिला दिया जाएगा। आप जितनी लास्ट डेट में आप फॉर्म डालेंगे आपको अपने नज़दीक का जिला मिलने की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी और जितना दूर आपका जिला मिलेगा उतनी दूर आपको परीक्षा देने जानी पड़ेगी। तो ऐसे में आप प्रयास करिएगा कि जैसे ही यहाँ पर आवेदन शुरू हो, ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर आवेदन शुरू हो 31 अक्टूबर से तुरंत आप पहले से पहले अपना आवेदन कर लें ताकि जो आपने जिला सेलेक्ट किया है परीक्षा के लिए वो आपको पास का जिला जो है वो मिल सके।